हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का नमक खा करके हिंदुस्तान की धरती पे धोखा करना और उस सिख समाज की हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा मारना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये औरंगजेब की बात करता है ओबीसी जी, ये जालिम है ओबीसी, ये पब्लिसिटी का भूखा है जी। मेरे से बात करा दो ओबीसी से, बार बार वार्निंग दे दो ओबीसी जी। जो इतिहास लाखों साल पुराना इतिहास जी। है जी, वो बदला नहीं जा सकता। तो वहां अगर को बैठ गए हम कैसे माने जी। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जैसे हम सभी को पता है कि ज्ञानवापी के मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उस पे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी और अपनी हिस्सेदारी दोनों निभा रही है। आज ये भी खबर आई है कि सुनवाई चल रही है और जिला कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला ट्रांसफर कर दिया है। फिर से बनारस के जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वहां के न्यायाधीश पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। मुस्लिम पक्ष दलीलें देकर थक चुकी है, अब ये कहना भी उन्होंने बंद कर दिया है कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। इससे बाद भी हमने वजू खाने का भी मुद्दा उठाया कि किस तरीके से जहां पे वो अपनी गंदगी साफ करते थे वो पाक होने जाते थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक तहखाना का वीडियो बार बार वायरल हो रहा है जिसमें ये माना जा रहा है, बार बार हिंदू पक्ष ये कह रही है कि उस तहखाने की अब जांच होनी चाहिए, उस तहखाने के लिए जो दीवार लगी है उस दीवार को तोड़ने की याचिका हो रही है कि उस दीवार को तोड़कर और सर्वे होनी चाहिए जिससे पता चले कि उस तहखाने में क्या है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उस तहखाने में और उस दीवार के अंदर टूटने पर और शिवलिंग मिलेगी। साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य के कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे कि ये अब झुठलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मुस्लिम पक्ष के लिए कि वो एक हिंदू स्थल है। इतना ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे उठकर आए जिसमें मुस्लिम पक्ष अब थक कर ये कहती है कि ये याचिका ही खारिज कर दो हिंदू पक्ष की। इन्हीं सब मुद्दों पे हम सभी को पता है कि किस तरीके से सिख कौम शुरू से ही मुगलों के खिलाफ लड़ते आई है, चाहे वो बाबर हो या आक्रांता औरंगजेब हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आज आए हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम बात करेंगे बिट्टा साहब के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिट्टा साहब, आपने अपना समय दिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बिट्टा साहब, सबसे पहले आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद का बवाल बढ़ता जा रहा है और ये सारी चीजें बार बार हिंदू पक्ष उठकर आती है और कहते हैं कि मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यहाँ पे हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है और कई साक्ष्य मिल रहे हैं। आप सिख कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा आपसे, देश की जनता से एक सवाल है जी, अजमेर शरीफ कौन सिर झुकाने नहीं जाता? हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है जी, ठीक है जी। अकेला मुसलमान नहीं जाता, हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी ईसाई भी नमस्तक करता है, ठीक। अब सवाल सबसे बड़ा देश की, दुनिया की जनता के सामने है और मेरे मुस्लिम कुछ नेताओं से मेरा सवाल है जी, औरंगजेब कौन था? यह सवाल का जवाब दुनिया के अंदर बैठे हुए हर भारतीय को, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, देना होगा। बाबर कौन था? यह जवाब देना होगा जी। अजमेर शरीफ जी का एक स्थान जो है, हम नमस्कार करते हैं उनके ऊपर। ये काफिर बाबर, काफिर औरंगजेब, जिसने गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, चांदनी चौक का इतिहास और सामने लाल किला, उनका शीश लिया इस राष्ट्र के लिए, जिनको कहा जाता था हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, जिन्होंने अपने छोटे दो बेटे औरंगजेब जाबर के होते हुए, एक की उम्र 4 साल, एक की उम्र 7 साल, नियो में चनवा दिए गए जी जी, दो जंग में शहीद हुए, भाई मतीदास जी जिनको आरों से चरवा दिया गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनको इन गर्मियों के दिनों के अंदर तत्ती लोह के ऊपर उनको कुर्बानी, शहादत देनी पड़ी इस राष्ट्र की खातर, मानवता की खातर, कश्मीरी पंडितों की खातर अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ा जी। उस औरंगजेब की, काफर की बात करते, उस बाबर की बात करते जिन्होंने मंदिरों के ऊपर हमले किए, हम सारे मुसलमान भाइयों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है जी, मुस्लिम हिंदू में कोई फर्क नहीं है जी। पर जब मंदिर तोड़े गए, मैं आज पूरे देश के हजारों मंदिरों पे जाता हूँ, हर मंदिर टूटा हुआ मिलता है, पुराना इतिहास मिलता है। अजनब गोरी के टाइम पे कहाँ अफगानिस्तान कंधार से आके उन्होंने मंदिरों के ऊपर हमले किए। तो हमारा पूरा मुस्लिम समाज, अगर भाईचारे की बात करता है, मुस्लिम समाज ने उनके जो लीडर्स हैं वो कहें, ये कांची और मथुरा की बात है ना,
राम जन्मभूमि का तो मसला हल हो गया, ये आप ले लीजिए, ये बाबर काफर का था, ये जालिम का था, इसने मुस्लिम कौम को बदनाम किया था, औरंगजेब ने मुस्लिम कौम को बदनाम किया था, ये मुस्लिम कौम के ऊपर क्रांता कह रहे हैं, उनके लिए तो वो महान है। कौन? आप ओवैसी साहब की बात सुन लीजिए। एक बात सुनो जी, ओबी साहब, ओबीसी, आबीसी क्या है, मैंने नाम ही मुंह में नहीं चढ़ता, भगवान की कृपा से एक उसका भाई जी, अगर वो औरंगजेब की मजार पे चला गया ओबीसी, गए वो तो जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ जी, हमारे इतिहास के गुरुओं के, उन साहबजादों के जिसके ऊपर औरंगजेब ने जुल्म किए, हमारे बच्चों को गुरु महाराज के साहबजादों को नियों में चढ़वा दिया जी, जी। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक के अंदर उनको छींच निछावर करना पड़ा, इस मानवता के लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी जी। उस अगर मजार पे जाता उस काफर की, उस जालिम की जी, तो इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा देशद्रोही, इसके बड़ा इस पीठ के ऊपर छुरा, इसके लिए सिख कौम की पीठ के ऊपर छुरा, इसके बड़ा काम नहीं हो सकता जो उसने काम किया। आपको पता, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनके दो साहबजादे छोटे, चंबाजी महाराज जी, उनकी आप समाधि पे जाओगे जी, जैसे हमारे साहबजादों का इतिहास सुनते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज भी पता नहीं ऊपर से भी हम खींच के उनसे जाबरों से बदला ले ले। बिल्कुल, अगर हम, हमारी हिम्मत हो तो औरंगजेब और उसके शासन को लेके उनका बदला लेके ठोक ठोक के उनको मारे जी। जी, शंभाजी महाराज जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, एक महीना, और उनके एक साथी थे, वो मुस्लिम थे जी, उनके साहबजादे के वाल एक दिन खींचे गए, नाखून खींचे गए, उनका मात को खींचा गया, एक महीना जुल्म किया उस वक्त औरंगजेब जालिम ने। बिल्कुल, तो उनको क्या, उनकी मजार पे जाते हैं? अगर ये चाइना होता ना, आज इसको पकड़ के बंद कर देते और ये बाहर ना निकलता, वहां हालत क्या मुसलमान भाइयों की, इन्होंने देखा है, ये कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाते जी। कश्मीर से बाहर पाकिस्तान में जी, इतने जुल्म सिख समाज के ऊपर, अभी गोलियों से शहीद कर दिया, इतने मंदिरों के ऊपर हमला, इतने गुरुद्वारा साहब पे हमला, महाराजा रणजीत सिंह जिसको कहते थे शेरे पंजाब, उसका जर्नैल थे हरि सिंह नलुआ, काबुल कंधार तक लोग कहते थे शेरे पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह और हरि सिंह नलुआ, फौज का जर्नैल, उसका नाम लेके कहती थी माँ सो जा, बेटे बेटे को कहती बेटा सो जा, नलुआ आ गया, उसका इतना बड़ा राज, ये क्यों नहीं बोले वहां पे जी। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का नमक खा करके हिंदुस्तान की धरती पे धोखा करना और उस सिख समाज की, हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा मारना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्या सिख समाज के, अकाल तख्त के जथेदार साहब, क्या पूरे देश के अंदर हमारे गुरुद्वारा साहब पवित्र महान, क्या बंगला साहब, क्या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्या उस औरंगजेब जिसने हमारे गुरुओं का अपमान किया, जिसने हमारे गुरुओं को शहीद किया चांदनी चौक के अंदर, तसीहे दिए, जुल्म दिए, आरोपित चलवा दिया जी। और एक थे बंदा बहादुर जी, लड़ते लड़ते आखिर में उनके बेटे को, छोटे बेटे को, 5 साल के बेटे को उनको काट करके उसके बेटे को, उनका कलेजा उनके मुंह में डाल दिया। ये औरंगजेब की बात करता है ओबीसी जी, ये जालिम है ओबीसी, ये पब्लिसिटी का भूखा है जी। मेरे से बात करा दो ओबीसी से, बार बार वार्निंग देता हूं ओबीसी, तुमने कोई बात कर लेता पर तुमने औरंगजेब की मदार के ऊपर जा करके इतिहास के खूनी पन्नों को खोला है, उस इतिहास के खूनी पन्नों को खोलने की कोशिश मत करना जी। दूसरी बात, ज्ञान बापी जी की बात करता हूं जी, हमारा किसी पार्टी से संबंध नहीं, हम मंदिरों में जाते हैं जी, हम जब वाराणसी जाते हैं भगवान के मंदिरों पे, हम पीछे गए, हमने एक अलग इतिहास देखा, मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, बाहर आए तो ऊपर देखा कि टूटी हुई सड़क और मंदिर निकले हुए हैं पुराने, हजारों साल पुराने जी। हमने कहा हम देखना चाहते हैं, हम उस धरती की शक्ति को बताना चाहते हैं, बम्बों से मेरे पांव खराब है, मेरे नसें कटी हुई है, मैं पैदल नंगे पांव नहीं चल सकता, कहते था पत्थर है, मैं कहा मैं जाऊंगा जरूर, मैं क्या 12 या 14 मंदिर देखे, सामने गंगा मैया थी, मैं आपको सोचने लग गया कब के मंदिर, हजारों साल पुराने मंदिर, किन ऋषि मुनियों शंकराचार्य जिन्होंने तप किए होंगे, और मेरी आंखों में आंसू थे,
ये मैं दर्शन किस लिए कर पाया, किसके कारण पाया? बिल्कुल, सिर्फ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी के कारण इन दर्शनों के कर पाया। और नरेंद्र मोदी जी ने उन दर्शन, उन जो मंदिरों का रोज अपमान हो रहा था, जी, जी, कौन रहते थे वहां, क्या खाना बनता था वहां, हाथ सफाई होते थे, कभी किसी ने नहीं सोचा। कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी की सरकार रही, बहुत सरकारें रही, पर मंदिरों का अपमान होता रहा। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने उन मंदिरों को आजाद कराया। बेटा साहब, संविधान खतरे में, एक पक्ष ये कहते हैं कि संविधान खतरे में, हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने की कोशिश की रहे। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आज तक कभी मंदिर की डिमांड? कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस ही पुराना, मैं कांग्रेस को बुरा नहीं कहूंगा, कांग्रेस ने देश को आजादी, कांग्रेस के नेता बुरे थे जी। अगर 370 धारा का जो भी था जी, कौन था जिम्मेदार? कांग्रेस के नेता थे। अगर पंजाब में आतंकवाद आया तो भिंडरावाला किसका था? कांग्रेस का। अगर नक्सलिज्म आया तो कांग्रेस के नेताओं का था, कांग्रेस पूरी नहीं थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने आके, अब नरेंद्र मोदी जी इमरान खान या बेनजीर भुट्टो या मुशर्रफ तो नहीं है जी, जी। ना नवाज शरीफ का भाई है, वो तो नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, उसने मसलों को सॉल्व किया। अगर आप देखेंगे राम जन्मभूमि का निर्माण, बीजेपी भी शोर मचाती रही, सारे शोर मचाते रहे, हम भी कहते थे जब राम सेतु टूटेगा तो हम अपने जीवन का देंगे, हम अपने शरीर का आधा हिस्सा बम्बों के लिए देंगे। हम राम सेतु गए थे उस वक्त, जब चिदम्बरम ने, जब सोनिया गांधी जी ने, जब इन नेताओं ने राम जी के इतिहास को, हिंदू धर्म के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की, जो लाखों साल पुराना है जी, बिल्कुल 60,000 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु में, मैं होके आया 60। अगर मैं 60 कहता हूं तो हैरान होता, 7 तो नहीं, मैं दर्शन करके आया, दीवारें वैसे हैं जी, ठीक है जी। मैं जाके राम सेतु होके आया, जब चिदम्बरम ने कहा, जब कांग्रेस के नेताओं ने कहा राम सेतु टूटेगा, तो मैंने कहा अगर राम सेतु टूटेगा, बिट्टा का, बम्बों का बचा हुआ शरीर का हिस्सा वहीं दफन होगा, हम वहीं जान देंगे, हम राम सेतु नहीं टूटने देंगे। क्यों? हमने राम जी के, हनुमान जी के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं की। आज आप देख रहे हैं हनुमान जी के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है। अरे मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हनुमान जी हो या राम जी हो, इनको सड़कों पे मत बिठाओ, सड़कों पे अपमान मत करो। अगर मेरे से कहानी सुनोगे, मैं गया था बालाजी मेहंदीपुर आज से 18 साल पहले जी, अचानक मत्था टेकने गया, मैं आज आपको कहानी बता दूं, मत्था टेकने गया उस वक्त जी। उस दिन सोनिया गांधी जी ने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, मैं आज बता रहा हूं आपको, वहां जाके विचार आया, मनमोहन सिंह जी और अब्दुल कलाम जी के पास गए, मेरे मन में विचार आया, मैं कहा हनुमान जी आप कहां हो, जो हमारे देश की संस्कृति को ना समझे, हमारे देश के इतिहास को ना समझे, आज फिर हम उस गुलामी की तरफ चले गए, हमारी संस्कृति कहां जाएगी, इस राष्ट्र को बचाओ, इस राष्ट्र की संस्कृति को। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा दोस्त कहता तेरी आंखों में आंसू, मैं कहा मैं उसको बताया नहीं। जब गाड़ी में आए, आरती हुई, मैं कहा रेडियो लगाओ, रेडियो लगा, न्यूज चली जी। न्यूज में चला डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे, मेरा सोनिया गांधी से कोई लड़ाई नहीं जी। मैं बचपन से कांग्रेसी हूं जी, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। मैं सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, मैंने सबके साथ काम किया जी। पर राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ हो उसको मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि आज नहीं तो मैंने कल जाना, मेरे लिए इस भारत और मेरे भारत की संस्कृति, मेरा इतिहास जी। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैं कहा जितनी देर मेरा बचा हुआ शरीर का हिस्सा है मुझे हनुमान जी के चलने के काबिल रखना, हर महीने एक दिन तेरी हाजिरी भरूंगा जी। मैंने अपने घर में मंदिर भी बनाया जी। मैं आस्था की बात करता हूँ, ये हनुमान चालीसा को सड़कों पे पता नहीं कैसे ले जाते और किसी को नहीं बताया, ये मैं मंदिर है, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, 5 बजे गाड़ी में हाथ धोए हनुमान चालीसा, एक आस्था हो गई जी। मेरे घर में बंदर आने शुरू हो गए, मुझे एक लगा कि हनुमान जी, मैंने महसूस किया कि हनुमान जी हमेशा मेरे साथ हैं। जब मैंने अखबारों में पढ़ा, जब टीवी में सुना कि राम सेतु नहीं है, भी राम सेतु क्या इतिहास है भी मुझे नहीं पता था जी, है ना, चरणों में बड़ा जल्दी जल्दी जुड़ा। उन्होंने कहा राम सेतु, वहां लंका, वहां सारा इतिहास पता चला, उन्हीं दोस्तों का चाच चला गया राम सेतु। 21 कुओं का स्नान करके धोती पहनी परंपरा के मुताबिक, मैंने कहा राम सेतु टूटेगा, हे राम जी हनुमान जी आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा जी, जीवन अपना आपके चरणों में दे दूंगा, ठीक। वापस आया,
आठ महीने नौ महीने जितना टाइम बीता मुझे नींद नहीं आई रात को, क्योंकि मौत से दोस्ती जाना तो वैसे भी है बम्बो गोलो से, राम तेरे चरणों में चले जाऊं इससे बढ़िया क्या होगा, नींद ना आई भी जाना है। एक होता ड्रामा जय श्री राम, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बिल्कुल नहीं, हनुमान जी की कसम खा के कहता हूं जी। और बिल्कुल पब्लिसिटी भी नहीं, कोई टीवी में भी नहीं जी। एक दिन मेरे दोस्त का फोन आया जो मेरे साथ था, कहता 7 बजे जी चैनल लगाओ, उसमें प्रोग्राम आ गया मिल गए राम, लगाया देखा तो उनकी गुफाएं पुरानी श्रीलंका में रावण की सब मिली जी, जी, मैं कहा मौत फिर दूर चलेगी। कुछ ही समय के बाद 8 या 9 महीने या साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नितिन गडकरी जी उस डिपार्टमेंट के शिपिंग कॉरपोरेशन के मिनिस्टर बने, पहला ऐलान किया उन्होंने राम सेतु नहीं टूटेगा, जय श्री राम। अब मुझे एक चीज बताओ जी, राम सेतु टूटने लगा जी, हम किसी मुस्लिम समाज को नहीं तोड़ रहे, हम किसी गुरुद्वारे पे हमला नहीं हो रहा, तो किसी हिंदू धर्म का लाखों साल पुराना इतिहास, हर महात्मा गांधी भी जब लास्ट टाइम गए थे तो कहते जय हे राम जी, जी। मैं भी अभी कहता हूँ बेटा साहब, क्या ये सही है कि हिंदुस्तान में जो संस्कृति और इतने पुराने अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म होते के बावजूद भी आज उन्हीं की संपत्ति को एक एक इंच की सर्वे की जरूरत पड़ रही मैं, है। मैं आपको विस्तार पूर्वक इसलिए बताना चाहता हूँ, ये ना कहे हम गलत बोल रहे हैं जी, जी। है ना, मुझे एक चीज बताओ, अजमेर शरीफ का फिर जिक्र करता हूँ, अभी मैं तमिलनाडु गया, चेन्नई गया, अभी गया जी, 20-22 साल पहले को कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस थी तो एक मस्जिद थी, मैंने मत्था टेका, मुझे अच्छा लगा। अब मैं होके आया, मैं जब भी जाता हूँ मुझे मौका मिलता है जहाँ मंदिरों में जाता हूँ वहां भी सिर झुका लेता हूँ। जहाँ हमारा गांव है अमृतसर में जी, बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के पास, वहाँ एक मस्जिद है पुरानी जी, हमारे घर के सामने है, वहां जाते हम तेल भी चढ़ा देते हैं, रास्ते में को मस्जिद होती है मत्था टेक लेते हैं जी, कौन रोक सकता है, हम जाते हैं। पर सवाल सबसे बड़ा, बोले शंकर जी महाराज हर हर महादेव जी, उनका ज्योतिर्लिंग जहाँ गणेश जी महाराज, जहाँ हनुमान जी महाराज जी, उनका पुराना स्थान, मेरे पास तस्वीरें हैं जी, कृष्ण जी महाराज जी, वहाँ पे पुलिस लगी, पुलिस का क्या काम है वहाँ लगने का जी, पुलिस का क्या काम है कांची पे लगने का जी, हमारा भगवान आजाद क्यों नहीं है जी, पुलिस का क्या काम था राम जन्मभूमि पे लगने का जी, क्या हम राम जन्मभूमि और कांची और मथुरा क्या हम इनको गुलाम बना देंगे पुलिस का जी, हरमंदिर साहब भी तो लोग जाते जी, भी ब्लू स्टार ऑपरेशन है, अब कोई पुलिस नहीं जाते हम जी, हम डर डर के क्यों मंदिरों में मथा देखने जाएं, हम जाएं कांची विश्वनाथ के ऊपर तो हम देखें पुलिस है, पुलिस हमारी चेकिंग करते हैं, लोगों की चेकिंग करते हैं, क्या ये हमारी जिंदगी है, क्या ये हमारा आजाद भारत है जी, क्यों ना मुस्लिम समाज के लीडर जी, सामने आके कहें हम भाईचारे का, हम सेक्रेटिज्म का सबूत देते हैं, ये बाबर काफर ने, ये जालम ने, ये अत्याचार करने वाले ने, जितने गुरु नानक देव जी महाराज जिसको मुसलमान भी मानते थे भाई और हिंदू भाई और सिख मानते थे, अभी चले जाओ करतारपुर साहब, आधा हिस्सा गुरु महाराज का ये है, आधा ऐसा मुसलमान भाइयों ने अपने तरीके से बनाया हुआ है। उस गुरु नानक देव जी महाराज को बाबर काफर ने, जालम ने, अत्याचारी ने, जिसने मंदिरों का अपमान किया, मंदिरों को ढह ढेरी किया, उस बाबर की बात आज सामने आती है जी। उसके लिए कोई नहीं कहता ये गलत था, मैं भी तो एक सरदार हूँ पंजाब के, अगर सिखों में से कोई आतंकवादी को, खालिस्तानी अगर कोई भिंडरांवाला जिसने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, या जिन्होंने तिरंगे झंडे का लाल किला में अपमान किया, क्या मैं खुल के बोला नहीं? बिल्कुल। मैं आपसे अगर सवाल पूछूंगा कि आप मुझे क्या समझते हो, सरदार या हिंदुस्तानी, आप मुझे जरूर कहोगे बिट्टा पहले भारतीय, मुझे उस चीज का फक्र है, तो ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये ओबीसी एबीसी अब औरंगजेब की मदारों पे जाएंगे और औरंगजेब जालम और सिख समाज के अकाल तख्त के जथेदार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्यों ना कहे, क्यों ना विरोध करे जी, जी बिल्कुल। चैनलों के अंदर तो बहुत शोर मचाते हैं, हमारे साथ बड़े अत्याचार हुए, हमारे साथ ऐसा हो गया जी, पर अब हमारे गुरु साहबान जिनके कारण हमारे सिर पे ऊपर मौत का कफन बांध करके लाल खून से सजी पगड़ी है, उन गुरुओं को शहीद कर दिया गया, उसके आके सिख समाज सामने ना आए क्यों भाई, क्यों ना आए सिख समाज सामने, हिंदू समाज क्यों बात करे, हिंदू सिख एक नौ मास का रिश्ता है, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है, अब इनके अंदर चार लोगों के अंदर खालिस्तान घुस चुका है, तो जो मर्जी करे, ज्योतिर्लिंग बोले शंकर जी का इतिहास लाखों लाखों साल पुराना जी, जी, हमारा इतिहास, क्या लगता है क्या फैसला आएगा सर? देखो जी मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह दूं जी,
फैसला कोर्ट का है जी, फैसला जो भी आएगा असलियत पूरी दुनिया की जनता के सामने आ गई जी। मथुरा और काशी ज्ञान बापी जी, ये सब का जो है ना बिल्कुल आजादी होगी, जैसे राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है इस तरीके से इनका भी निर्माण होगा, मैं दावे से कहता हूँ जी। अच्छा सर, बात ये भी उठकर आ रही है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं और जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, बार बार उन्हीं स्थलों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है जहां पे मुस्लिम दावा करते हैं कि ये उनका स्थल है, क्योंकि वर्षों से वहां पे वो नमाज पढ़ते आ रहे हैं, शुक्रवार को वो तादाद लगती है जी। जी, अब सड़कों पे कोई चीज बना लो जी, सड़कों पे मंदिर बना लो जिसका इतिहास ही ना हो, सड़कों पे मस्जिद बना लो जी, या सड़क पे ही बगैर वजह से गुरुद्वारा साहब बना लो जी, या सड़कों पे ही गिरजाघर बना लो जी, तो क्या कहोगे उसको, उसको करते हैं ना, पर इतिहास तो इतिहास है ना, ये तो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो इतिहास लाखों साल पुराना इतिहास है जी वो बदला नहीं जा सकता, तो वहां अगर को बैठ गया हम कैसे माने जी, हम कैसे माने, बिल्कुल नहीं सुप्रीम कोर्ट करती कल को, एक चीज तो सामने आ गई जी, अगर देश की जनता को जरूरत पड़े पहला जीवन मैं दे दूंगा, अगर राम सेतु बच गया, पंजाब से खालिस्तान ने बनने दिया उसमें बच गया, बम्बो से जीवन का बोनस का हिस्सा, पहली कुर्बानी मैं दे दूंगा, कुर्बानी कहना भी पाप है, पहला जीवन मैं दे दूंगा वहां जी। तो क्या लगता है सर, आप काशी के हिस्सा बनेंगे सर, ज्ञान वापी का साक्ष बनेंगे, आप जाएंगे बनारस? मैं जा रहा हूँ, मैं 5-4 दिन के अंदर जा रहा हूँ जी, दर्शन करने जा रहा हूँ जी, जो भी दूर से दर्शन हुए करेंगे और शपथ लेंगे जी, हे भगवान कभी जीवन देने का मौका मिले, जाना तो बम्बो से है जी, राम सेतु में तो नहीं मिला, तेरे चरणों में जीवन मिल जाए, मैं अपना जीवन दूंगा, मैं अपना बोनस की जिंदगी देता जी, बोले शंकर के चरणों में मैं देता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है सर, आखिरी सवाल पूछूंगी सर, ओवैसी का ये क्या संदेश रहेगा, और ओवैसी जैसे जितने भी नेतागण हैं, जितने भी आज सेकुलर और लिबरलिज्म के जो नारेबाजी लेके बैठे हुए हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? ओबीसी का बेस क्या है जी? ओबीसी मीडिया का पाला हुआ एक, मैं क्या कहूं, फुकरा सा आदमी, मैं कहूं फुकरा, एक पिक्चर है फुकरा सा जी, हमारी जनता समझ गई होगी। मुझे बताइए ना कहां सीटें यूपी में मिली जी, कहां सीटें महाराष्ट्र में मिली, एक एमएलए होगा जी, कहां सीटें कहीं मध्य प्रदेश में मिली, बंगाल में गए थे, कहां बंगाल में मिली जी, और बड़े बड़े चैनल उसको ऐसे उठाते जैसे पूरा मुस्लिम समाज इसके पीछे लगा हुआ है जी, बिल्कुल ठीक है, भाई ने कहा था ना जी पुलिस हटा दो, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो जी, तो देखो क्या, अरे मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जी, लड़े हैं AK-47 से, लड़े हैं बम्बो से, लड़े हैं गोलियों से, एक चली 100 चलाई सामने लड़े हैं जी, इसके भाई को इसको क्या दे, पर इनके भाई ने ये भी बोला प्रधानमंत्री के लिए कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, प्रधानमंत्री को इस तरीके के शब्दों के लिए बोलते हैं प्रधानमंत्री जी का, उसके साथ लेबल करना जी, मैं समझता हूँ बहुत गलत है, ये तो घटिया किस्म के लोग जी, और मैं आखिरी आपके सामने उनको चैलेंज करता हूँ, हमारा चैलेंज उस वक्त आतंकवादियों के भी था, आज इतने हमें छेड़ा है जी, आज इतने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहबजादों को शहीद करने वालों जी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, भाई मती दास जी जिनको आरों से आप उनको छेड़ा है, वहां उनके कातिल काफिर उनकी समाधि पे गया है ये जी, उस काफिर की जहां दिया भी नहीं चलता, जहां दिया जलने के लिए भी लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं जी, क्योंकि उसने जाबरों ने बाबर औरंगजेब ने गलत काम किए थे जी, मेरा चैलेंज है उनसे, फिर कहूं इतिहास के खूनी पन्नों को कभी कोशिश मत करना जी, अगर कौम जाग गई पंजाब की, हिंदुस्तान की, दुनिया में बैठी हुई जी, तो याद रखना तुम कहीं जा नहीं पाओगे, वहीं हैदराबाद में तुम घूमते रहोगे, मेरा तुम्हें चैलेंज है, तुमने औरंगजेब की मजार के ऊपर जा करके पाप किया है जी, और तुम्हें ज्ञान वापी मंदिर के ऊपर जी, और अगला मथुरा जो तुम्हारी स्टेटमेंट आ रही है इनका कोई असर नहीं होगा, हम तेरे खिलाफ लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे, तू कितना भी भौंकता रहे उसका कोई असर नहीं।